चुनावी प्रचार में सभी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील के माचलपुर कस्बे में आम सभा की। शिवराज सिंह चौहान ने सभा में कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं पर जमकर हल्ला बोला। साथ ही ऊर्जा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि लाइट जाने की बात करने पर ऊर्जा मंत्री किसी को भी जेल में बंद करवा देते हैं। बिजली जाएगी तो मामा को ही याद करोगी, कांग्रेस नेताओं पर जमकर हल्ला बोला। हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे तो प्रीव्रत कौन है? शिवराज की राजगढ़ में सभा। एक भी किसान का कर्ज नहीं हुआ माफ। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब जब बिजली जाएगी मामा को ही याद करोगे, क्योंकि इस सरकार में तो बराबर बिजली नहीं मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ के वोट देने के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रीव्रत कमलनाथ लाइट जाने की बात कह रहा है, तो क्या तुम कमलनाथ को बंद करवाओगे? वहीं उन्होंने ऊर्जा मंत्री पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह अपने साथ में जनरेटर लेकर घूम रहे हैं ताकि लाइट ना चली जाए, अब दिग्विजय सिंह को भी बंद करवा दो। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को भी कहा कि ज्यादा अति मत करो, दो दिन की बहारें हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने सभा में शायरी पढ़ते हुए इशारों ही इशारों में प्रशासन को चेतावनी दे दी। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे तो प्रीव्रत कौन है? एक रिकॉर्ड प्रीव्रत सिंह ने भी तोड़ा। अरे भैया, बिजली नहीं आएगी तो लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि बिजली नहीं आ रही? अरे बोलो ना, करते हो क्या? कितनों को बंद करेंगे देख लेंगे। आप बताओ, बिजली आ रही है क्या? बराबर जा रही है? अब जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएगा। सोमवार को शिवराज सिंह चौहान के घर में कांग्रेस के आला नेता सुरेश पचौरी के साथ किसान कर्ज माफी के दौरान किए गए किसानों की एक सूची लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के घर पहुंच रहे हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये वाक्य दोहराते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ आकर देखो कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है। सुरेश पचौरी के नेतृत्व में एक पेन ड्राइव लेके कि ये पेन ड्राइव में सूची है किसानों की जिनका कर्जा माफ किया। अरे हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, यहाँ के देखो कितनों का माफ हुआ। झूठ बोलते हैं, कर्जा कैसे माफ होगा? अरे जिन बैंकों से किसानों ने पैसा लिया है उन बैंकों को तुम पैसा भर दो सरकार के खजाने से। अरे मामा, गेहूं के 265 देता था तो टनाटन बजट में प्रावधान करके हरे हरे नोट भिजवाता था, तब तो मिलते थे। अब इन्हें पैसा ढेला दिए नहीं, 48,000 करोड़ का कर्जा। शिवराज सिंह चौहान ने अभी आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर कहा कि कांग्रेसियों ने लगातार भ्रष्टाचारी की है और कुछ ही दिनों में अरबपति बन गए हैं। 281 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं मिला। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेरी गजब गति, 4 महीने में अरबपति। शिवराज सिंह चौहान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए। वहीं कांग्रेस सरकार में एक आतंकी हमला हुआ था 2008 में, जिसमें मुंबई में काफी लाशों का ढेर लग गया था। तब कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान से आंख मिला ले। वहीं कांग्रेस सरकार के मंत्री दुनिया के सामने रोते थे कि पाकिस्तान ने मारा, हमारे देश के लोगों को मारा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के सीधी में रहने वाले शहीद सुधाकर सिंह का पाकिस्तान ने जब सिर काट दिया था और उसका बुरी तरह अपमान किया था, तब राहुल बाबा आपको क्रोध नहीं आया था? वहीं उन्होंने सीमी एनकाउंटर की याद दिलाते हुए कहा कि सीमी आतंकवादी जब भोपाल जेल से भागे थे तो मैंने आदेश दिया था कि उनको ज्यादा दूर मत जाने दो और उनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम लोग प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? मायावती कहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ। वहीं अखिलेश कहते हैं कि मैं, और ममता भी कहती है कि मैं बनूंगी। डीएनए में भ्रष्टाचार है, खून में भ्रष्टाचार है। दिल्ली में सरकार थी तो भान रूपते थे, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला,
2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजा जी घोटाला, खाना नष्ट पूरी खाए जा रहे थे। चौकीदार ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। छापा पड़ गया, कले भाजपा का हाथ है। अरे चोरी करे तो छापा पड़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बता, पड़ना चाहिए कि नहीं? चोरी करते हो, छोड़ेंगे नहीं। वहां बैठा हुआ है, मोदी बड़ा खराब, मोदी बड़ा खराब, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। ये मोदी नहीं होना, मोदी नहीं होना, मोदी ने कहा तुम्हारी भैंस मारी है, क्या किया है मोदी ने। वहीं उन्होंने आखिरी में रोडमल नागर के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि रोडमल नागर को वोट दीजिए और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए और शिवराज मामा के हाथ मजबूत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IC24 न्यूज, इंदौर।